जो है बड़ा मजे का, दो घंटे के अंदर इनका कबाब खत्म हो जाएगा। आप बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। ये तू मंजी के तो चुप के ले आया है भाई, इधर माशाल्लाह इधर रश काफी ज्यादा लगा हुआ है यार, जूसी बहुत है यार। मैं यहाँ पे फोर्थ हो गया, मेरे घर में बता देना अकरम दिखे वालों ने मुझे फोर्थ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपर अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन, दिस इज आके मूवीज। और मैं वापस आ गया हूँ लाहौर में, क्योंकि मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, घर के खाने भी बहुत याद आ रहे थे, मेरा मतलब घर से मुराद लाहौर के खाने हैं। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं शादबाग के इलाके में, ये जो आपको पीछे थोड़ा रोड नजर आ रहा है, ये बसंतपुर वाला रोड है। यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर पॉइंट है आज तो जो है ना, वो यहाँ पे अकरम टिक्का शॉप के नाम से है। उनके पास बीफ कबाब मिलते हैं, उनका बारबेक्यू और भी होता है, जो कुछ भी होता है वो जाकर उनसे चेक करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हल्का फुल्का छोटा मोटा हम चलते हुए जाएंगे, स्टार्ट हम कर रहे हैं ताजपुरा चौक से आगे की तरफ जा रहे हैं। जो जो रास्ते में हल्का फुल्का नजर आता जाएगा वो साथ साथ ट्राई करते जाएंगे। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको लोकेशन समझा दूँ मैं इस टाइम कहाँ पे खड़ा हूँ, और फिर आगे चलते हैं। यार ये जो रोड है ना सामने आ रहा है नाखुदा चौकरी साइड से, और ये आगे को ऐसे जा रहा है, ये आगे को जा रहा है ताजपुरे की तरफ, ठीक है। यहाँ से हम आगे को स्टार्ट कर रहे हैं और इधर जाते थे, पहला मुझे पॉइंट नजर आया है यहाँ पे, ये है ताजमहल के मशरूबात। इन भाई के पास दूसरा होता है, इनसे दूसरा ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके पास, कौन कौन सा दूसरा होता है आपने बताया अभी मुझे? अच्छा, ज्यादा आपका मजेदार कौन सा होता है? दूध सोडा, फिर आप ऐसा करें दूध सोडा के दो एक गिलास कर दो। हाँ एक बना दो। लो जी ये हम जो इनसे दूध सोडा मंगवा रहे हैं, ये आ गया दूध, ये दूध दूध है खाली, ये सोडा आ गया, इसमें इलायची वगैरह भी है, बादाम वाला दूध है, उसका सोडा बनाएंगे आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये दूध सोडा खैर जो पहले मैं पीऊँगा। यार मंगने ना कितने आए हैं मेरे थे यार, बड़ा मजे का यार। भाई जान मुझे ये पता है ये दूध आप खुद नहीं बनाते, दूध आप खुद तो नहीं ना बनाते, दूध मतलब आपका पीछे से आता कहीं से खुद लेके आते हैं, बोतल भी आप नहीं बनाते, लेकिन जो आपने ये मिक्स कराया ना इसको, आपने जो बैलेंस आपने रखा हुआ वो बहुत कमाल है यार। मतलब ना इसमें बोतल ज़्यादा है ना दूध ज़्यादा है, इस तरह का दूध सोडा ना बहुत कम मिलता है, ना बोतल ज़्यादा है ना दूध ज़्यादा है, जो ब्लेंड इन्होंने बनाया ना, जो मिक्सर इन्होंने बनाया वो बहुत कमाल का, आपका शायद इसीलिए ज़्यादा चलता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। कितने का ये? 150 का। और अगर सिंपल लेमन सोडा पीना वो कितने का? 90 का। यार ये बहुत मज़ा चीज़ है, अगर आपने दूध सोडा यहाँ से नहीं पीना इसको ट्राई कर लो, बहुत कमाल। स्ट्रॉ और मंगाऊँ? चेक रहे बिलाल को बुलाना फिर मैंने, पहले तूने पिया यहाँ से कभी? कैसा मीठा भी ठीक है? हाँ ठीक है ना। इधर आए यार बिलाल को बुला के चेक करते, लोग मेरी तो सुनते नहीं है। बिलाल साहब ये चेक करें, जरा चेक करें काली मिर्च का फ्लेवर आ रहा है आपको यहाँ से, ऐसे ऐसे करके चेक करना जरा। यार बड़ा कमाल लगा यार मुझे, बाकी बहुत कमाल इसका ना, मुझे तो सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना वो इनका बैलेंस है यार, मतलब ना दूध ज़्यादा है ना बोतल ज़्यादा, और आप मीठा भी देखें इसका बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ ऐसे पकड़ ली थे ना इनसे प्रमोशन के, नहीं पकड़े थे ऐसे ही करते, ऐसे फ्री कर दो। हाँ अब किसी को फ्री पैसे भी देते हैं बोतल के, फ्री भी कर दो, इस दूसरे के पैसे देते हम लोगों पर, मैं पहले ही मशहूर है कि जनाब पहले फ्री खाते हैं, पहले दे देते हैं एक गिलास है दे। मुझे ना इनके जो है ना दूसरा डब्बा बहुत पसंद आया, अगर आपने इसको ट्राई नहीं है इसको ट्राई कर लेना। अभी आगे हम कुछ ढूंढ रहे हैं, इस टाइम कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे एनको वाली दुकानें हैं और इधर जो है इधर भी एनको वाली दुकानें हैं, और ये जो एनको वाली दुकान है ना ये अब ऐसी दुकान है, पता नहीं इन्होंने बंद कर दिया, पहले इन्होंने लेज़र लगाई होती थी नाखुदा चौक से, जैसे आप एंटर होते ना आपकी आँखों में लेज़र पड़ती थी, जब नया नया आया मुझे लग रहा था मेरी नानी का घर यहाँ पास ही है, मुझे लगता था पता नहीं कोई बहुत अट्रैक्शन दे रहे हैं, बड़ी कमाल की चीज़ होगी, एंड पे आके पता लगता था जरा वो एनको वाली दुकान होती थी उन्होंने लेज़र लगाई होती थी कि आप हमारे पास आ जाएँ। यहाँ पे जो है ना मुझे और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे ना मुझे फिर से गुल्लू नज़र आ गया, गुल्लू जो है ना मिल्क शॉप है, यहाँ पे मैं लास्ट टाइम ही ट्राई किया था, एक दफ़ा फिर से इनकी ट्राई करते हैं, शायद कुछ नई चीज़ आ गई हो उनके पास, लास्ट टाइम मैंने इनकी खीर ट्राई की थी, अभी भी देखते हैं कुछ इनके पास इतना कुछ मिल रहा है। तो कह रहा है बड़े मज़ेदार है, कह रहे साडा हो गया इंटरव्यू, ताडा दोबारा नहीं हो सकता, हो गया तो क्या दोबारा नहीं हो सकता, बंदे का दिल कर पाता फिर दोबारा कुछ मीठा खाने। चलो जी अच्छा उनकी की चल रहा है इस टाइम की क्या खीर है, वो पुराने वाली खीर दिखाओ, रसमलाई ताड़ी में खाती थी पिछली बारी, रसमलाई भी खाती थी, खाती थी तुम याद है रेट तो नहीं बताया था, रेट बद गया, वो कितना हो गया? 170 रुपये पहले किन्ने दी सी? पहले 150, तुम याद है खीर कितने की हो गई है?
हजार रुपये किलो, पहले जब आप आए थे वो तो 800 रुपये किलो थी, वो छः साल साल से ऊपर हो गया, हाँ साल से ऊपर हो गया। दही की मलाई डालेंगे ऊपर? नहीं, दही की मलाई तो नहीं डालते। किसके पे डाली थी आपने दही की मलाई? दही की मलाई डालते खीर के ऊपर, नहीं है वो खीर के ऊपर ही, हाँ वो अभी नहीं है, वो खत्म हो गया। अच्छा चलें, आप ऐसा करें थोड़ी सी खीर निकाल दें, फिर एक रसमलाई खाते हैं एक खीर खाते हैं, ठीक है थोड़ी सी निकाल दें। ये एक प्लेट कितने की बनेगी? सौ की कर दें बस। चलो अच्छा, ये दूध बड़ा माशाल्लाह आपका गाढ़ा है। मैंने गाढ़ा भी और ज़्यादा भी डाला है। ये ज़्यादा डाला आपने? हाँ ठीक है, आपकी वजह से डाला। आप बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। ये जो है ना इनका दूध भी माशाल्लाह गाढ़ा है, बाकी जगह ना थोड़ा दूध पतला होता है। रबड़ी भी गाढ़ी है। रबड़ी गाढ़ी डाली आपने, ठीक हो गया। अच्छा यार ये जो है ना, इससे मैंने दोबारा खा रहा हूँ, मुझे बड़ी पसंद आई थी इनकी रसमलाई भी और खीर भी, तो खबर कर ला यार, बताने दो मुझे यार। ये जो है ना इनकी खीर है, लेकिन ये बिलाल ने नहीं खाई हुई ना? नहीं मैंने नहीं खाई। चलो खाओ फिर, खीर खाऊँ रसमलाई का। एक चीज़ इनकी रसमलाई में बहुत कमाल की, इनका जो दूध है ना, जो इन्होंने रबड़ी बनाई हुई है, ये सिंपल दूध नहीं है, पूरी रबड़ी बना के उन्होंने डाली हुई है, और ये बहुत थिक बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध होता है, ये अच्छी बात है जी। कैसी है? ठीक है यार, इंतजाम ना तो ना पैन, सॉरी आपने खाना है सर। अच्छा ये चेक करो, मैं रसमलाई चेक करता हूँ। ओके बहुत यार, ये मैं तरीके से बनाना चाह रहा हूँ, मैं करूँगा मैं खीर के ऊपर यार, खीर बहुत लेवल है यार, खीर बहुत अच्छी है, ऑप्टिमम भाई बनाता है खीर की यार। ये जो है ना, ये खीर से हमने के कस्टमाइज हम थोड़ा दूर रहा है, लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था हमने दही की मलाई अपनी दूध की मलाई इसके ऊपर डाली थी, अब हम ना ये रबड़ी डालेंगे खीर के ऊपर ऐसे करके। चलो सर, मैंने सिर्फ दूध नहीं, ये रसमलाई का, ये रसमलाई और रबड़ी का और खीर का हसीन इंतजार। एक बार मेरे कहने में यार माशाल्लाह बहुत कमाल चीज़ है। अच्छा यार यहाँ से जो है ना, हमने दोबारा से एक दफ़ा ट्राई कर दिया, लेकिन इनका जो इस दफ़ा मैंने ट्राई किया ना, इनका जो ब्लेंड बना के, तूने ना चेक किया इस दफ़ा जो मैंने ट्राई किया? नहीं, अगली बार तो यहीं पे रहता तभी ना इनसे आगे वो चेक करें, इनकी जो खीर है ना, खीर के ऊपर रसमलाई ज़्यादा मीठा नहीं हो जाएगा? और मीठा तो पहले मीठा कितना मीठा हो जाएगा, लेकिन बहुत मज़ेदार चीज़ थी साथ। अभी हम चलते हैं अक्रम टिक्का शॉप पे। ये जो रोड है ना, सीधा जा रहा है ये नाखुदा चौक की तरफ, ये जो है ना, ये जनाब ये आपको जो दर्शन नजर आ रहा है, ये है मेरा अक्रम टिक्का शॉप, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन की हाल चाल ठीक ठाक? उर्दू में बात करेंगे कि पंजाबी में बात करेंगे? जैसे आपको। या इंग्लिश में कर लेंगे? नहीं नहीं, पश्तो में? नहीं पश्तो में नहीं, चले फिर उर्दू में करते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? लतीफ। लतीफ भाई, लतीफ भाई ये पुराना कितना पुराना है आपका? ये 50 साल। 50 साल पुराना? पहले मैंने सुना आप सामने होते थे। जी जी। अच्छा इधर क्यों आ गए हैं, खैरियत है? ये इधर जगह ज्यादा कम थी ना उधर। अच्छा वहाँ जगह कम थी, ठीक हो गया। तो ये कितने का कबाब है आपका? 170 रुपए का। और क्या आता है इसके अलावा आपके पास? चिकन टिक्का कबाब, लेग पीस, मलाई बोटी। अच्छा। और नैबरेट और चिकन जिंजर। आप खुद यहाँ से खाना खाते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खाते हैं आप? हम रोज ही खाते हैं। नहीं यहाँ से क्या खाते हैं? हम सारी आइटमें चेक करते हैं। अगर बीफ कबाब का कुछ और आपसे खाना हो तो क्या खाना चाहिए? नैबरेट भी बड़ा, हमारी हर चीज में आ रही है। वो एक आदमी बता दे रहा, सारी चीजें खाई जाएंगी, छोटा सा पेट है मेरा। नहीं वो आपकी पसंद का भी ना, हमारी फेवरेट जो है ना कबाब, मलाई बोटी, नैबरेट। कबाब, मलाई बोटी और बीफ टिक्का। बीफ टिक्का भी आपके पास? जी जी। बस ये अभी अवेलेबल है बीफ टिक्का? जी जी। ठीक हो गया, आप ऐसा करें बीफ टिक्का भी लगा दो आप। कितने? 3 टिक्का लगा दो। ठीक है सर। अच्छा तो ये बीफ टिक्का कितने का? बीफ टिक्का 250 रुपये का। एक सीख एक चार नहीं बोल चार 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 पीस भाई। इधर माशाल्लाह इधर राशन काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, और उसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है भाई। खोलते कितने बजे आप? 8 बजे शाम को। हाँ 8 बजे 2 बजे तक, रात 2 बजे तक, 6 घंटे बस। अच्छा
अच्छा अभी मैं थोड़ी देर पहले मतलब अभी तकरीबन 10 बजे हैं और आप कह रहे हैं बीफ कबाब खत्म हो गया जी। यार ये सही है माशाल्लाह, दो घंटे के अंदर इनका कबाब खत्म होगा। तो किससे मानना चाहिए आपका, 7 बजे आ जाए? नहीं, 9 बजे पहले फोन कर लें, 4 बजे ऑर्डर दे दें, 5 बजे ऑर्डर दे दें। अच्छा सही है भाई, चलो मैं खाते हैं। अच्छा यार ये जो है ना ये पीछे अगर टिक्का चौप है, यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, रश जैसा भी है बहुत ज़्यादा, रश का मसला बहुत ज़्यादा चल रही है, चीज़ें बहुत सब कुछ चल रहा है। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे ना पार्किंग की प्रॉपर जगह नहीं है, ये यहाँ पे बाइक लगाते हैं, अगर आप यहाँ बाइक लगा देते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। दूसरा मसला है गाड़ी लगाने की बिल्कुल भी जगह नहीं, गाड़ी है तो अपोजिट साइड पर अगर आप लगाएंगे तो रोड बिल्कुल कंजेस्टेड सा है, वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। मुझे यहाँ पर कोई जगह नहीं मिली, मैं आगे जाकर नानी के घर जाकर गाड़ी लगा के आया, पैदल आया मैं तो भाई वो गाड़ी लगाने की यहाँ पर प्रॉपर कोई जगह नहीं, और किसी भी गली में कुछ कह नहीं सकते आप, सेफ़ है नहीं है, किसी को इतराज़ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। दूसरा अभी एक भाई यहाँ पे मुझे मिले बड़े नाराज़ थे वो सर्विस को लेके, तो भाई सर्विस हम चेक नहीं कर सकते, सर्विस आपको टेस्ट बता सकते हैं, आपको फ्लेवर बता सकते हैं, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनका क्या सर्विस है उनकी, ये हम नहीं बता सकते आपको। क्योंकि जब भी किसी को आप किसी जगह पर कैमरा लेके खासतौर पर जाते हैं ना, एक तो ज़ाहिर है आपको उनको ये होता है कि हमारी मार्केटिंग हो रही है, थोड़ा सा प्रोटोकॉल वो देते हैं, उस प्रोटोकॉल की वजह से वो आपको ट्रीट भी अच्छे तरीके से करते हैं। हर जगह ऐसे नहीं होता, कई जगह पर होता भी है, कई जगह पर नहीं भी होता, लेकिन नॉर्मली एक ट्रेंड यही देखा गया कि जब आप कैमरा उठा के जाएंगे, आप ब्लॉग करने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल देंगे, अगर आप कैमरे के बगैर जा रहे हैं फिर आपको एज अ कस्टमर ट्रीट करते हैं, जब आपको एज अ कस्टमर ट्रीट करते हैं उसमें पता लगता है कि उनकी सर्विस कैसी है, उनका इखलाक कैसा है, ये चीज़ तब पता लगती है। कैमरा उठा के ना बिल्कुल एक अनबाइस्ड ओपिनियन बंदा नहीं दे सकता। तो ये थोड़ी सी अपडेट है यहाँ के बारे में। खाना भी आ रहा है, खाना चेक करते हैं इंशाल्लाह, इनसे मैंने टिक्का भी मंगवा लिया। यहाँ पर लोगों को खाना इतनी देर में मिल रहा है, भाई कितनी देर में मिला? एक घंटा हो गया मुझे, एक पूरा घंटा हो गया यहाँ पे खड़े, एक घंटे बाद खाना आया। लेकिन मैंने मुबीन भाई का सबको कह दिया अगर मैं यहाँ पे फोत हो गया मेरे घर में बता देना, अकरम दिखे वालों ने मुझे फोत कर दिया यार। वो भाई कह रहे थे मैं ला रहा, मैं रोजी रख लेता फिर चंगा थी। यार मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जब ब्लॉगर्स होते हैं उनको खाना जल्दी मिल जाता, पहले से कोई मुँह ला रहा इधर। तो भाई आप चाहे कैमरा उठा के आ जाइए, चाहे आप हैंडी कैम उठा के आ जाइए, चाहे बड़ा DSLR सब जो मर्जी उठा के लें, यहाँ पे आपको खाना टाइम से मिलना है, जिस लोगों को कस्टमर्स को मिल रहा है, और वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है इनके पास, तो वो जगह थोड़ी है इनकी जो मेरा अंगीठी शायद यही वाली, और इसके अलावा कोई सेटअप नहीं है, इस वजह से खाना लेट मिल रहा है, इतना लेट मिल रहा है कि वो जनाब साहब वो चार भी लेके आ गए हैं, इधर ही लेट गए हैं। हाँ जी भाई, कमाल हो गया, सड़क पे लगा के बैठ गया, पूरा देसी मॉल। ओके फिर अल्लाह हाफिज़ है। तू मंजी कितों चुक के लिया सी? मैं तेन कह रहा कि पिछले चुक के लिया सा, घर बनता पे सी उत्थे, मैं मंजी चुक लिया, मैं कहा भाई ने लम्मे पैना तो अगे जाया, कहना सड़क पे, मैं कहा हाँ जी सड़क के उत्ते, कहना अच्छा बड़ा खुश होया अपने वालों, कहना यार मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे? तुम मंजी चुक के लाए? मैं अकरम शाह पे आया हूँ, इस तो चंगा मैं पीछे अकरम को रिपेयर, ये देखो अकरम शाह रिपेयरिंग, मैं शौक रिपेयर करा रहा था, इसे अच्छा गोटे गोटे नवे पवा लेता बंदा है ना, सही कह रहा ना, ये आइडिया इसी ने दिया था मुझे, चार चुक रिपेयर करा दो, चलो चलो बिलाल गोटे पवाने नवे, अकरम तिका रहन दे, अकरम शौक रिपेयरिंग से चला जा, वो सामने गई हाँ तेरे बहन के गोटे। लो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 45 मिनट गुजर चुके हैं, ऑर्डर अभी भी नहीं आया। खाना किस तरह जाएगा उनकी, कोई ही आएगा एक दफा ही आएगा, उस्ताद आए ना आए खाना एक दफा ही आएगा। कितनी देर लगेगी, कितनी देर में आएगा खाना? 5 मिनट। चलो ठीक है, दे लेने 5 मिनट। लो जी सलाह तो आ गया, ये जो है ना सामने कोई कस्टमर आया, उनकी गाड़ी वो सामने खड़ी है फॉर्चूनर, और ये सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, ये हो रहा है इस बाइक के रश की वजह से जो है अकरम तिक्का शॉप के ऊपर। वीडियो यहीं पर ख़त्म करें इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात करें अगली वीडियो के अंदर, हमने कुछ खाया ही नहीं यहाँ पे, कुछ आया ही नहीं, खाने को क्या खाएंगे यार। ठीक है फिर माधव तैयार थी, मैंने बुलाया यहाँ पर, सफर का फल खा लिया हमने, बहुत अच्छा मीठा था, बहुत स्वीट डिश खा लिया, चलो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करें। ओके अल्लाह यार, ये कबाब चेक करो भाई, माशाल्लाह चेक करते हैं अभी खा गए। ओके यार ये जो है ना माशाल्लाह कबाब आ गए, और ये थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं, किस्तों में आ रहे हैं, ये जो ये और आ गए, ये देखो ज़रा यहाँ पे ना एक मसला है। अच्छा ये चीज़ वाकई जेन्युइन है, यहाँ पे लोग जो शिकायत करके जा रहे हैं ना बार बार कि यहाँ पे जो है ना खाना इनको बहुत देर से मिल रहा है, किस्तों में मिल रहा है, ये वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है यहाँ पे, मुझे लगा शायद ऐसा नहीं होगा। बीफ नहीं लगे, ठीक हो गया, ओके मैंने बस ठीक है रहने दो, ओके अल्लाह। मैंने यहाँ पे चिकन बीफ टिक्के का भी ऑर्डर किया था और कबाबों का भी ऑर्डर किया था, शुक्र है कबाब आ गया, वो कह रहे भैया चिकन बीफ टिक्का ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जन्मन है कि यहाँ पे एक तो स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है और सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी नहीं है, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया इसको,
लेकिन जिसने भी यहाँ पे खाना खाया, जो भी मुझे यहाँ पे मिलके जा रहा है, हर बंदा पहचान रहा है और वो मिलके यही बात कह रहा है कि यार मैंने कहा टेस्ट कैसा है, उन्होंने कहा टेस्ट ठीक है लेकिन सर्विस कोई नहीं है, इनका इखलाक कोई नहीं है, सर्विस कोई नहीं है, ऐसा मुझे लोगों ने बताया। मैं आपको वो नहीं बता रहा, मुझे नहीं पता क्या चीज़ें कहनी है। मुझे सर्विस डेफिनेटली लेट मिली, एक घंटे बाद मेरा ऑर्डर आया। मैं बड़ा अपने दिल से खुश हो रहा भाई, कैमरा पकड़ के जाएंगे तो आपको प्रोटोकॉल मिलता है, ठंडकड़ा मिला है यहाँ पे भी प्रोटोकॉल। तो जी ये कबाब, ओए ओए बड़ा गर्म है यार, ये कबाब है यार, बड़ा गर्म कबाब है भाई। यार ये गर्म गर्म, ओए फुल गर्म कबाब है यार, मैं आपको इसको तोड़ के चेक भी नहीं करा सकता, इसको ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाह। अनएक्सपेक्टेड यार, मैं माजरत खा हूँ आप सबसे, इतने भी लोगों को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। कबाब जूसी है, कबाब के ऊपर रोगन बहुत अच्छा लगा हुआ है, कबाब का जो अंदर इन्होंने मिक्सर बनाया हुआ है उसमें फ्लेवर नहीं है बहुत ज़्यादा, जो बीफ का फ्लेवर होना चाहिए ना, जो सूखा धनिया और प्याज का जो ब्लेंड होना चाहिए ना वो इसमें नहीं है, जूसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें इन्होंने रोगन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, रोगन है, घी है, चर्बी है, मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का। ये देखो कबाब जूसी बहुत ज़्यादा है, ये देखो जूसी है ये कबाब, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाई इसका जो फ्लेवर जो मैं सोच रहा था ना, ये उस लेवल का फ्लेवर नहीं है इसका। जिन्होंने बीफ कबाब नहीं खाए उनको शायद अच्छा लगेगा, जिसने बीफ कबाब खाया है मेरी नज़र में अभी भी शोके का जो कबाब है ना बीफ वाला वो इससे बहुत बेहतर है। आप खा सकते हैं इसका गुड कबाब, लेकिन मेरे से लेना मेरे साथ थोड़ा सा टेस्ट रहता है। एक मिनट, इस सेकंड पीने लेता उस दिन मुझे लग रहा ना हो, तूने पहले कबाब खाए हुए ना? हाँ, कहीं अच्छे खाए हुए हैं। हाँ, कहाँ कबला करता जेनवन बंदा, कोई ऐसा नहीं है, कोई पर्सनल कुछ भी नहीं है, टेस्ट नहीं सही, फीका है, बिल्कुल फीका फीका कबाब। अच्छा यार, इसमें मैं आपको एक बात पहले बता दूँ, मुझे यहाँ पे बुलाया नहीं गया, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा कहा, किसी को कोई किसी को हर्ट करना मकसद नहीं है। इसकी ना बहुत ज़्यादा हाइप चल रही थी आजकल, तो मैंने कहा इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हाइप होती है ना उसको चेक करना चाहिए। मेरा ये मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ मुझे पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे इसमें फ्लेवर नज़र नहीं आ रहा, फील भी नहीं हो रहा। बहरहाल बिलाल से पूछना, बिलाल यार सिंपल और छोटी सी एक बात, मैंने ना साकिब से पहले इसको उठा के टेस्ट कर लिया और आपको अंदाज़ा भी नहीं हुआ, आपने काम में लगे हुए थे और मैंने इसको ना टेस्ट कर लिया था उसी वक्त। आप जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और जो इनको दिल का मसला है वो भाई भागे भागे हैं और आके खा लें, बाकी दूसरों को आने की ज़रूरत नहीं है मेरी तरफ से। मिर्च मसाला ही नहीं अंदर, नमक ही नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ, लोरिए हो तो फिर भजन तुम्हें खाना पैना मिर्च मसाला ये वो। बहरहाल जिसने यहाँ पे होसन का बीफ टिक्का बहुत अच्छा हो, ये कह रहे थे हमारी मलाई बोटी बहुत अच्छी है, हमारा बीफ टिक्का बहुत अच्छा है, वो मुझे मिला नहीं, यहाँ पे सर्विस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओवरऑल कबाब अच्छा है, कबाब मैं ऐसे नहीं कह रहा कबाब अच्छा नहीं है, कबाब अच्छा है, जूसी कबाब है, आपको मीट भी इसमें बहुत ज़्यादा है, मीट की क्वान्टिटी ज़्यादा है। हो सकता है आज इनका शायद तो मैरिनेशन थोड़ा सा शायद मसाला रह गया हो, जूसी भी है इसमें मीट की क्वान्टिटी, ये देखो मीठी भी बहुत ज़्यादा कबाब, ये देखो इसकी जो लेयर है ना ये बहुत मोटी है, ये देखो बहुत मोटी कबाब की लेयर है, बारीक नहीं है। क्वांटिटी इस कबाब में कीमा ज़्यादा है, अच्छा खासा ज़्यादा है, लेकिन जो फ्लेवर होता है ना बीफ कबाब के अंदर जो आपको एक स्पाइसी एक पंचिंग फ्लेवर आना चाहिए, मैंने इसलिए बीस कबाब लगवा लिया कि शायद बहुत ज़्यादा मज़े का होगा, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन यार इसमें वो एक मिनट एक ऑप्टिमम बाइट ट्राई कर लेते हैं, ये इसको कबाब को डिप करते हैं रायते के अंदर। यार जूसी बहुत है यार, इतना जूस है इसके अंदर, वो हो बहुत जूसी हुआ यार, जो फ्लेवर आ रहा है इसमें फ्लेवर है, वो जो रोगन है ना रोगन का फ्लेवर है, रोगन में ही फ्लेवर है तारा, अंदर से कीमा पिका बिल्कुल। ओवरऑल ठीक है, रेटिंग इसकी आपको यहाँ नीचे नज़र आ जाएगी जो भी रेटिंग है। वीडियो यहीं पे ख़त्म करें, चलो आपसे मुलाकात करें अगली वीडियो के अंदर। आज जो हमने सबसे मज़े की चीज़ खाई है, जो सबसे मज़े की चीज़ हमने ट्राई की है वो दूसरा था, वो जो खीर के ऊपर हमने रसमलाई डाल के खाई है, बहुत कमाल था। वीडियो यहीं पे ख़त्म करें, चलो आपसे मुलाकात करें अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
दिस इज माई इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम। आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, लाइक जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। और नेक्स्ट किस जगह को मैंने कवर करना है ये आप मुझे कमेंट में बता दें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करें अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।